आपके सवाल का जवाब, पहला चीज, अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मिनिस्टर आसाम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था और जो बातें भी प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूँ। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया, मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंत बिस्वा जी। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। कल को बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर ईडी हो जाए, कल को मेरे ऊपर सीबीआई हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि अनूप सिंह पे ये क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे उनका पलटवार आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को 1 घंटा प्रेस ब्रीफिंग लीजिएगा मैं 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा लीजिएगा मैं 2 घंटा दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रहलाद जोशी के यहाँ मैं था 11 अकबर रोड में, 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है और ये हाँ और मैं सीएम साहब और अविनाश पांडे जी के जानकारी में गया था। क्या आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी कैश कांड का खुलासा बिना कहीं जाए हुए हो सकता है? अब बताइए, और कुछ सवाल है तो अनूप जी आपके एफआईआर को लोग झूठा बता रहे हैं। हेमंत मिश्रा जी ने खुद बोला ना कि मेरी जानकारी मेरे समाज हेमंत, हाँ बोलो ना, बोलो अभी सर जी आपके आपके एफआईआर में आप कॉपी पे सवाल उठाया है और झूठा कहा जा रहा है। मेरा तारीख गलत हो सकता है, मीडिया का कैमरा गलत नहीं हो सकता है ना, मैं उस पर तारीख लिखना भूल गया था, वो मैंने न्यूज 18 को अभी फोनों में बाइट दे दिया। फुरकान साहब भी थे, ठीक है, फुरकान साहब भी थे, मैंने मीडिया का मैंने बाइट दे दिया है फोनों में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहाँ पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा था। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है? सर विधायकों पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया। अच्छा, विधायकों पे मैंने एलिगेशन नहीं लगाया सर, मैंने कभी नहीं बोला कि वो जो पैसे पकड़ा है वो मेरे विधायकों को किसी ने दिया था। ये इसको गलत मत करिए, मैंने हमेशा बोलने दीजिए, सवाल कंप्लीट, जवाब कंप्लीट होने दीजिए, जवाब कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। तो मैं किसी से तो मैंने ये बहुत क्लियरली बोला है, ठीक है ना, कि मैंने ये बात बहुत क्लियरली बोली कि मेरे विधायकों के पास जो पैसा पकड़ा है वो इनकम टैक्स का विषय है, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला कि ये पैसा किसका, वो सीआईडी ने टेक ओवर किया केस, क्या क्या लाती है जब सामने आएगा तब फिर बात करेंगे। और भी एलिगेशन अगर मेरे पे बीजेपी लगाती है तो मैं उस पर तैयार हूँ जवाब देने के लिए। एक मिनट, फुरकान अंसारी साहब ने जो जो जवाब लगाया मैंने न्यूज 18 में उसका फोनो दे दिया और शायद वो सबको वायरल भी हो जाएगा, अभी न्यूज 18 लाइव ले रहा था तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। वे फालतू में हाउस का समय और बर्बाद करने से फायदा नहीं है।